हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्राफ्टर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये लूप वाली डिज़ाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है और इसी के साथ हम फुल स्लीव्स बनाएंगे, क्योंकि फुल स्लीव्स का वीडियो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है। तो इस ब्लाउज में मैं लूप वाली बैक डिज़ाइन बना रही हूँ बैक नेक पर, और इसमें हम फुल स्लीव्स भी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसके लिए ये मैंने मेन फैब्रिक लिया है और ये 80 सेंटीमीटर है, और ये जो दूसरा फैब्रिक है इसकी हम स्लीव्स बनाएंगे, और ये हमारा कॉटन का फैब्रिक है लाइनिंग पीस। तो सबसे पहले हम लाइनिंग पीस पर इसकी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने बैक पार्ट को कट कर लिया है, ये मैं 36 साइज़ का बना रही हूँ, और यहाँ पर पीछे हम लूप बनाएंगे। तो उसके लिए इसकी अब लेंथ देख लेते हैं। इसकी लेंथ मैंने 15 इंच ली है, और इसका जो शोल्डर है वो 6 इंच पर है, और इसका नेक 3 इंच पर है। अब नेक की लेंथ देख लेते हैं। तो अगर आप इसको शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो आप शॉर्ट भी बना सकते हैं, और अगर आप उसको पूरा कट करके बनाना चाहते हैं लूप की डिज़ाइन तो आप पूरा भी कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये शॉर्ट में बनेगा। अगर आप बैक को पूरा ऊपर नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से ही बना सकते हैं, और अगर आप इसको पूरा ऊपर रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से पूरा इसको ड्रॉ कर लीजिए। सीधा ड्रॉ करना है हमें, इसमें कुछ नहीं करना है, और इसके बाद इसको सीधा ही कट कर देना है। ये बनाना बिल्कुल इजी है। तो इसको मैंने सीधा ड्रॉ किया और सीधा ही कट कर लिया। इसके बाद हाफ इंच इसमें शोल्डर को डाउन रखेंगे और इसको भी कट कर लेते हैं। तो अब इसको ओपन करके देख लेते हैं, तो इसका जो गैप है वो इतना रहेगा। इसके बाद हम दोनों पार्ट को एक साथ रखेंगे और यहाँ पर हम लूप के लिए निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें ऊपर से 3 इंच तक छोड़ देना है, और यहाँ से हम 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे। तो जितना भी ये हमारा फैब्रिक है नीचे तक, वहाँ तक हम 2-2 इंच पर निशान लगा लेते हैं। इसका जो गैप रहेगा वो 2 इंच का रहेगा। और इसी निशान को हम दूसरे पार्ट पर भी कर लेंगे, आप चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं। तो ये मैंने दूसरे पार्ट पर भी इस पर निशान लगा दिए हैं। इसके बाद हम मेन फैब्रिक लेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, और इसको हम बीच से कट कर लेंगे। इसके बाद हम मेन फैब्रिक की पतली पतली डोरियां बना लेंगे इस तरीके से, और इसको हम कट कर लेंगे। तो जितने भी ये निशान लगे हुए हैं उतने हमें ये टुकड़े कट कर लेने हैं लूप के लिए। तो ये हमें 2 या 2.5 इंच तक ही रखना है। तो इनको मैंने कट कर लिया है। अब हम इसको ब्लाउज पर अटैच कर लेते हैं। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और हमें इसको अंदर की साइड रखना है। ये जो खुली साइड है वो बाहर रहेगी, और ये जो बंद साइड है वो अंदर की तरफ रहेगी, जिससे हम ब्लाउज को पलटेंगे तो वो बाहर आ जाएगा। तो इस पर हमें ध्यान देना है, ये जो खुली साइड है वो बाहर की साइड रहेगी। इस तरीके से हम सभी को रख लेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने नीचे से लेके ऊपर तक सिलाई लगा दी है, और इन सभी लूप को नीचे रख लिया है। अब हम इसको पलटेंगे। तो इसको पलटने के लिए सबसे पहले हमें कॉर्नर पर कट करना होगा, जिससे आसानी से पलट जाए।
और फिनिशिंग भी आए। तो हम दोनों कॉर्नर पर कट कर लेते हैं। अब इसको पलट लेते हैं। तो पलटने के बाद ये इस तरीके से बाहर आ जाएंगी। और इसमें फिनिशिंग भी रहती है। तो दोनों तरफ हम इस तरीके से पलट लेंगे। आप चाहें तो ऊपर से भी लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर से लगाने में फिनिशिंग नहीं रहती है, इसलिए आप इस तरीके से इसको लगाएं। इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ से। तो ये मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद हम एक लंबी डोरी बनाएंगे। तो हमारा जितना ये बीच का गैप निकला था, हमने कट किया था, उतना ही गैप हम इसमें देंगे। डोरी को ज़्यादा ही लंबा रखना है और नीचे आप कोई भी लटकन लगा सकते हैं जिससे निकले ना। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। इसके बाद हम इस पे पीछे डार्ट लगा लेंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं और डार्ट लगाना चाहे तो डार्ट भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें डार्ट लगा दी है। और अब हम दोनों पार्ट के शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं। तो बैक पार्ट के ऊपर मैंने ये फ्रंट पार्ट को उल्टा रखा हुआ है और इसके शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स लगाने के लिए पहले हम उसको कट करेंगे, क्योंकि मैंने अभी इसको कट नहीं किया है। तो ये स्लीव्स के लिए फैब्रिक है। इसमें भी ज़्यादा ही फैब्रिक लगता है, जितना हमारा एक ब्लाउज पीस रहता है उतना ही फैब्रिक इसमें लग जाता है। तो फैब्रिक को सबसे पहले मैंने फोल्ड किया, उसके बाद इसको डबल फोल्ड कर लिया। और अब इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो ऊपर से हम इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देंगे फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ से हम टिप को रखेंगे और इसकी जो लेंथ है, फुल लेंथ हमें लेनी है। तो फुल लेंथ इसकी 23 इंचेस है और 2 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। नीचे भी फोल्ड करेंगे और ऊपर भी हमें सिलाई में ये फैब्रिक लग जाएगा। तो एक लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने। और इसके बाद हम इसका कैप बनाएंगे। तो जैसे मैं इसको 3 इंच पर लेती हूँ तो वैसे ही करना है। ऊपर से यहाँ से भी 3 इंच लिया है और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और इसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो इसका जो आर्म होल है वो 7 इंच पर है और बाकी का ये जो है इसमें मार्जिन रहेगा 2.5 इंच पर। तो अब इसको शेप दे देते हैं। और नीचे भी, तो नीचे ये मैंने 4.5 इंच पर रखा है और 2 इंच का इसमें मार्जिन दे देंगे। नीचे हमें कम ही मार्जिन रखना है और यहाँ से इसको तिरछा मिला देंगे। अब इसको कट कर लेते हैं। तो फुल स्लीव्स बनाना भी बिल्कुल आसान है। इसकी कटिंग वैसे ही होती है जैसी हम बाकी स्लीव्स बनाते हैं, बस इसकी हमें लेंथ ज़्यादा रखनी होती है। तो ये हमारी स्लीव्स कट हो चुकी हैं, बीच में हम कट कर लेंगे। तो इनको अटैच करने का तरीका वही है, बस हमें नीचे से इसको फोल्ड करना है। यहाँ से मैंने
मार्जिन नीचे से कम कर दिया है क्योंकि इसमें कम ही मार्जिन रहता है। नीचे आप चाहें तो हुक भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको डबल फोल्ड करके इस तरीके से फिनिशिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें हुक भी लगा सकते हैं नीचे। तो इन दोनों को मैं तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स पर नीचे से डबल फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम इसको ब्लाउज पर अटैच करेंगे। तो ब्लाउज पर अटैच करने का तरीका वही है जैसे हम बाकी स्लीव्स को अटैच करते हैं। इसको हम उल्टा रखेंगे इसके ऊपर और इस तरीके से इस पर अटैच कर देंगे। तो दोनों स्लीव्स को हम अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स को अटैच कर दिया है। इसके बाद हम ब्लाउज में फिटिंग देंगे। तो फिटिंग के लिए ये बिल्कुल इजी है। जैसे हम फिटिंग लगाते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, तो हमें सबसे पहले स्लीव्स के लिए भी मेजरमेंट ले लेना है और नीचे से लेकर हम एक साथ ही सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो अभी भी इस पर एक हुक लगा सकते हैं इस तरीके से जैसे हम सूट में लगाते हैं। तो मैं इसको सिंपल ही रख रही हूँ। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये मैंने इस पर फिटिंग लगा दी है और इस तरीके से इसकी स्लीव्स आएंगी। ये लेपर्ड प्रिंट की साड़ी है, ये बहुत ही अच्छी लगेगी। और बैक पर ये इस तरीके से डिज़ाइन आएगी। पहनने पर इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। ये इसका फ्रंट रहेगा। तो ये हमारा ब्लाउज बनकर कंप्लीट है और इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आई है। इसमें हमें ज़्यादा फिटिंग नहीं देनी है क्योंकि पीछे ये जो लूप है इसको हम जब डोरी को खींचते हैं तो ये अपने आप टाइट भी हो जाता है और लूज भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मास्टर क्राफ्टर को। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।